नमस्ते एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन। आई एम एडवोकेट उज्जवल दुबे एंड टुडेज टॉपिक हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स, हिंदू विवाह और तलाक। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी शेयर अ कोट विद यू ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स बोथ। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, अर्थात जोड़ियां ईश्वर बनाकर भेजता है, शादियां ईश्वर बनाकर भेजता है। एंड डाइवोर्स, डाइवोर्स इज लाइक एन एम्प्यूटेशन वेयर यू सर्वाइव बट देयर इज लेस ऑफ यू। जैसे एक्सीडेंट्स में हाथ पांव कट जाते हैं, इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन उसके एक हाथ कम होते हैं, उसके पैर कम होते हैं, वो पहले से थोड़ा कम होता है। वैसे ही डाइवोर्स इज लाइक एन एम्प्यूटेशन वेयर वन सर्वाइव बट देयर इज लेस ऑफ देम। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेट्स बिगिन विद व्हाट आई विल डिस्कस टुडे। टुडे आई विल डिस्कस हिंदू मैरिज एक्ट 1955, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड अबाउट एलिमनी, परमानेंट एलिमनी, इंटरिम मेंटेनेंस। दीज ऑल आई विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह की शर्तें क्या क्या हैं। सबसे पहले तो मैंने लॉ स्टूडेंट्स के लिए और लेमैन के लिए भी कह सकते हैं, जिनको जो लीगल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, एक ट्रिक बनाई है। क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा प्रोविजन फर्स्ट नंबर पर है, कौन सा सेकेंड है, क्योंकि वो एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन। जुडिशरी में भी आते हैं, जजेस के एग्जाम्स में भी आते हैं, आईएएस के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, बुआ, BUA। वैसे भी लोगों की शादियां बुआ ही कराती हैं, नॉट एवरीबडी बट मोस्टली काफी लोगों की शादियां कराती हैं। तो बुआ से आप याद रख सकते हैं, जैसे कैसे कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, ये कंडीशंस फुलफिल होंगे तभी हिंदू विवाह की शर्तें पूरी होती हैं। पहला बी, बी फॉर, बी स्टैंड्स फॉर बायगेमी, यू स्टैंड्स फॉर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड ए स्टैंड्स फॉर एज एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आर पी एंड एस, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडास। नो आई विल एक्सप्लेन। पहला बायगेमी, अगर किसी भी नाइदर पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज, किसी भी पार्टी के कोई भी पत्नी या पति, उनकी शादी नहीं हुई हुई होनी चाहिए। अगर उनकी शादी हो, अगर उनकी पहले से शादी हुई हुई है तो वो हिंदू मैरिज नहीं हो सकती है। तो ये पहला कंडीशन है कि नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। सेकेंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यू, बी यू, सेकेंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, किसी भी तरह का पागलपन नहीं होना चाहिए, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। उस अगर ऐसा है, अगर कोई पागलपन है तो वो हिंदू विवाह की शर्तों को पूरा नहीं करता है। थर्ड एज, एज मीन्स विवाह के लिए ब्राइड और ग्रूम की जो एज है, लड़के की 21 साल से ज्यादा और लड़की की 18 साल से ज्यादा, ये होनी चाहिए। अगर ब्राइड या ग्रूम इज लेस देन, ब्राइड एंड ग्रूम लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड ब्राइड लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, देन दिस इज नॉट अ कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। एंड फोर्थ नंबर पी एंड एस, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है, जिसमें कि विवाह नहीं हो सकता, जिन दो रिश्तों में विवाह नहीं हो सकता वो मना है, अनलेस एंड अनटिल कस्टम एंड यूसेज परमिट्स इट, जब तक कि कस्टम या यूसेज उसको परमिट नहीं करता है। एंड लास्ट वन इज सपिंडाज रिलेशनशिप, जो एक ही पिंड के हो, सपिंडा मीन्स एक ही पिंड के, भाई बहन की शादियां नहीं होती हैं, जो ऐसे रिश्ते हैं जिनमें शादियां नहीं हो सकती हैं। तो ये पांच शर्तें हैं, बुआ, बी यू ए, पी एंड एस,
बाइगेमी, दो शादियां नहीं हो सकती हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पागलपन नहीं हो सकता है, पागलपन अगर होगा तो शादी नहीं हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर नहीं हो सकती है। थर्ड कंडीशन, अगर एज कम होगी, 18 साल से कम, 21 साल से कम होगी, नहीं हो सकती है। फोर्थ, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो तो नहीं हो सकती है। एंड फिफ्थ, सपिंडाज में नहीं हो सकती है, जो एक ही सपिंडाज में हो। तो ये है हिंदू विवाह की शर्तें। अब यहां से मैं सेक्शन 5 से सीधा ही मैं जा रहा हूं सेक्शन 11 एंड 12, वॉइडेबल वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज। तो सबसे पहले ये बता दूं कि वॉइड मैरिज क्या होता है और वॉइडेबल मैरिज क्या होता है। वॉइड मैरिज मीन्स जो विवाह शून्य हो, सिंस इट्स इंसेप्शन, सिंस इट्स सेरेमनीज, जब से हुआ है तब से ही वो नल एंड वॉइड है, वो विवाह शून्य है, उस विवाह की कानूनी मान्यता नहीं है, वो वॉइड होगा। और वॉइडेबल कौन सा विवाह होता है? जो हिंदू विवाह की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है लेकिन वो खुद में शून्य नहीं है जब तक कि कोर्ट उसको डिक्री ऑफ नलिटी से उसको शून्य घोषित ना कर दे। जब तक डिक्री ऑफ, आफ्टर पासिंग डिक्री ऑफ नलिटी बाय द कोर्ट, दैट मैरिज इज वॉइडेबल मैरिज। तो अब कंडीशंस के कौन कौन से कंडीशंस वॉइड होते हैं और कौन कौन से वॉइडेबल होते हैं, अब देखिए मैं बिल्कुल आसानी से आपको बताता हूं कि हिंदू विवाह के जो कंडीशन नंबर 1, 4 और 5 हैं, ये विवाह होने के बाद ही इनको कोर्ट से कानूनी मान्यता नहीं है। अगर बाइगेमी है तो वो विवाह शून्य है, वो विवाह नल एंड वॉइड है, क्यों? उसको डिक्री ऑफ नलिटी की जरूरत नहीं है। जो विवाह प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है, हुई है, अनलेस एंड अंटिल कस्टम एंड यूसेज अलॉज, कस्टम एंड यूसेज परमिट, जैसे कई आदिवासी क्षेत्रों में, कई और क्षेत्रों में कोई वैसे रिश्ते भी जिनमें की शादी नहीं हो सकती है तो वो परमिट करती हैं, उनके कस्टम्स या यूसेज उनको परमिट करते हैं। तो 1, 4 एंड 5, इन मीन्स 5 इज सपिंडा रिलेशनशिप, जो सपिंडा भाई बहन या एक ऐसे रिश्ते में, उनकी शादियां जो हैं वो वॉइड हैं। बिल्कुल आसान याद रखना, 1, 4, 5 ये जो हैं ये वॉइड हैं, ये शादियां शून्य हैं। और वॉइडेबल कौन सी हैं? जो बच गई, सेकेंड और थर्ड से कंडीशंस जिसको फुलफिल नहीं कर रहा था, जैसे कि अगर ब्राइड और ग्रूम की एज कम है, चाइल्ड मैरिज है, विवाह हो गया है, तो वो विवाह जब तक डिग्री ऑफ नलिटी कोर्ट के द्वारा नहीं हो जाएगा तब तक वो विवाह शून्य नहीं होगा। उसी तरह से अगर कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, दिमाग की कोई समस्या है, अगर कोर्ट में अगर कोई पार्टी जाकर के केस फाइल करके, पिटीशन फाइल करके, जब उसके डिक्री ले लेती है कि वो नल एंड वॉइड है, तो वो विवाह वॉइडेबल, वो उस कैटेगरी में आता है। मतलब वो उसको नल एंड वॉइड कराने के लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट से डिक्री चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज में आसानी से याद रखने के लिए दो पॉइंट और मैं जोड़ रहा हूं, वो मैरिजेज भी जो शादियां हो गई हैं लेकिन अगर इम्पोर्टेंट है, इम्पोटेंसी है, नपुंसकता है, या फिर वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट है पहले से, तो वो दो विवाह भी वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए भी कोर्ट से विवाह को शून्य कराने की, विवाह को वॉइड डिक्लेयर कराने की पिटीशन डाला जा सकता है। क्लियर, दीज आर हिंदू मैरिज कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, ये कंडीशंस हो गए। अब हम आते हैं, अगर पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन अगर पति पत्नी को छोड़कर चला गया, तो उस केस में पत्नी के पास क्या रेमेडी होती है? पत्नी के पास पहली जो रेमेडी है हिंदू मैरिज एक्ट में, वो ये कर सकती है, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए फाइल कर सकती है कोर्ट में, कि जो विवाह के जो अधिकार हैं, जो पति पत्नी के जो संबंध हैं, उनको दोबारा से कोर्ट बहाल करे, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। बट यहां पर याद रखना, एवरी लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं कि रीजनेबल एक्सक्यूज, रीजनेबल कॉज, वहां पर ये चीज है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के अगर वो चला गया है छोड़कर, तो वहां पर उसमें जुडिशियल वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए फाइल करेगा, हुएवर, पति या पत्नी, कोई भी, जो भी फाइल कर सकता है। अब हम आते हैं डाइवोर्स के ऊपर, सेक्शन 13, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैंने लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए आसानी से, कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पर डिवोर्स लिया जाता है।
ACDCUVW, राइट। सबसे पहला ग्राउंड ए एडल्ट्री, सबसे फर्स्ट ग्राउंड है एडल्ट्री। अगर स्पाउस किसी और रिलेशनशिप में, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, विवाहेतर संबंधों में इन्वॉल्व है, तो पति या पत्नी कोई भी पार्टी जो भी अग्रीव्ड है, जो भी उससे, तो वो दूसरे व्यक्ति दूसरे के खिलाफ डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है। उसको ये पहला ग्राउंड है एडल्ट्री। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना है। एडल्ट्री इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया, बट एडल्ट्री इज अ सिविल रॉन्ग। लेकिन एडल्ट्री सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन वो सिविल रॉन्ग है। उस ग्राउंड पे डिवोर्स फाइल हो सकता है। 497 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक ऑफ किया है, बट जो सिविल रॉन्ग है एडल्ट्री के ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है। एडल्ट्री के ग्राउंड पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती है। तो पहला ग्राउंड है एडल्ट्री ए। दूसरा ग्राउंड है क्रुएल्टी, किसी भी तरह की क्रुएल्टी, मेंटल या फिजिकल, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, किसी भी तरह का अब्यूज, पार्ट किसी भी के द्वारा, चाहे वो ये कोई भी फाइल कर सकता है, पति भी पत्नी के अगेंस्ट कर सकता है, और हस्बैंड भी वाइफ के अगेंस्ट, वाइफ भी हस्बैंड के अगेंस्ट, जो भी फाइल कर सकता है। बट कोर्ट ने बार बार, सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर एलिगेशंस फॉल्स हैं, अगर एलिगेशंस अनसब्सटेंशिएटेड हैं, कि बस फाइल कर दिया पिटीशन कि मेरे ऊपर क्रुएल्टी हो रही है, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर हैरेस किया जा रहा है, मेरे उसको जैसे पत्नी ने पति के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पति ने पत्नी के ऊपर ऐसे आरोप लगा दिया, तो इन इन सब केसों में कोर्ट ने कहा है कि एलिगेशंस मस्ट नॉट बी फॉल्स, अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशन इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। कुछ ग्राउंड्स में जहां पर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट्स हैं, जिनमें ये कहा गया है कि जैसे अब अगर वाइफ या हस्बैंड के अगर वो एक दूसरे को फिजिकल अब्यूज करते हैं, मेंटल अब्यूज करते हैं, तो उन केसेस में क्रुएल्टी ये अधिकार बनता है। इसके डिटेल्स में सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स को स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें काफी सारे अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग कॉज के ऊपर वो बताया गया है। तो ए सी ये हो गया एडल्ट्री क्रुएल्टी। एंड थर्ड ग्राउंड इज डेजर्सन। अगर छोड़कर चला गया है पति या पत्नी, कोई भी एक दूसरे को छोड़कर चला गया है, कितने दिनों के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल से वो छोड़कर चला गया है, तो उनको ये ग्राउंड बनता है कि वो डिवोर्स फाइल कर लें, कर सकते हैं, कर लें नहीं, कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन 2 साल का डेजर्सन होना चाहिए, छोड़ने का मतलब है 2 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया ए सी डी, राइट। देन अगेन सी, सी मीन्स कन्वर्जन। अगर किसी और रिलीजियन में कन्वर्ट हो गया है वो, अगर अपने आप को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया है, अगर हिंदू रिलीजियन से मुस्लिम रिलीजियन में कन्वर्ट हो गया है, या किसी भी रिलीजियन में कन्वर्ट हो गया है, तो उस कन्वर्ट को वहां पर वो डिवोर्स फाइल करने का अधिकार है, जो भी दूसरी पार्टी है, ठीक है। ए सी डी सी, राइट। एंड नाउ अगेन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर पागलपन के ऐसे दौरे पड़ रहे हैं कि उस व्यक्ति के साथ, चाहे पति हो या पत्नी हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो, उसके साथ रहना संभव नहीं है, तो वहां पर भी डिवोर्स के लिए ग्राउंड बनता है, ठीक है। एसीडीसी यू हो गया। अब वी, वी मीन्स एसीडीसी यू वी डब्ल्यू। वी, वी में क्या होता है, वेन रियल डिजीज, कोई ऐसे यौन विकार जो कि एक दूसरे में फैल सकते हैं, जो कम्युनिकेबल हो, वो डिजीज जो पति से वाइफ से हस्बैंड में, हस्बैंड से वाइफ में हो सकते हो, वो भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। ए सी डी सी यू वी एंड नॉट डब्ल्यू। डब्ल्यू इज मीन, डब्ल्यू मीन्स वॉन्टेड। जो व्यक्ति दिखा नहीं है कितने दिनों से, पिछले 7 साल से, 7 साल से अगर उसको नहीं देखा गया है, अगर वो जिंदा होता तो उसे देखा जाता, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है, तो उस केस में भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। तो ए सी डी सी यू वी डब्ल्यू, दीज आर द मेन ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। ये मेन ग्राउंड है डिवोर्स के। इन ग्राउंड्स पर डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। हुएवर इज अग्रीव, हुएवर इज आइदर वाइफ और हस्बैंड, आइदर वाइफ और हस्बैंड बोथ कैन फाइल पिटीशन ऑफ डिवोर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बिफोर फैमिली कोर्ट, राइट। नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस वन केस हियर, दैट इज नवीन कोहली वर्सेस
नीतू कोहली, दैट इज नवीन कोहली वर्सेस नीतू कोहली, आई वन सेकेंड, यस दिस इज नवीन कोहली वर्सेस नीतू कोहली। इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता था कि क्रुएल्टी के ग्राउंड पर, एडल्ट्री के ग्राउंड पर, डेजर्सन के ग्राउंड पर पिटीशन फाइल कर दिए जाते थे फैमिली कोर्ट्स में, केस लंबे समय तक चलते रहा, केस लंबे समय तक पेंडिंग रहता था कोर्ट में, बट कोई डिसीजन नहीं हो पाता था, और वाइफ और हस्बैंड भी अलग रह रहे होते हैं, स्पाउस जो मैरिज है, मैरिज इज वर्चुअली डेड, देर इज नो स्कोप ऑफ एनी स्पाउसल रिजम्पशन ऑफ स्पाउसल रिलेशनशिप, वेयर देर इज नो स्कोप ऑफ स्पाउसल रिलेशनशिप, मैरिज इज वर्चुअली डेड, इमोशनली डेड, लेकिन केस चल रहा है, वाइफ हस्बैंड अलग रह रहे हैं, पिटीशन वो अब कोर्ट में केस चल रहा है, एविडेंस आ रही है, पिटीशन काउंटर पिटीशन फाइल हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक रिकमेंडेशन करी यूनियन गवर्नमेंट को, नवीन कोहली वर्सेस नीतू कोहली, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इन 2010, कि इसमें अमेंड किया जाए और एक और ग्राउंड को एड किया जाए, डेट इज इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ग्राउंड क्या है, इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज मीन्स मैरिज इररिट्रेबली ब्रोकन डाउन, मैरिज इज इमोशनली डेड, नाउ मैरिज इज वर्चुअली डेड, देयर इज नो स्कोप ऑफ रिजम्पशन ऑफ स्पाउसल रिलेशनशिप। तो फिर उसके बाद अमेंडमेंट की यूनियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, और उसमें एक और ये ग्राउंड एड कर दिया कि इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। अब इस ग्राउंड पर भी जहां लंबे समय तक पिटीशन चल रहा होता है वहां पर कोर्ट डिवोर्स ग्रांट करती है। इवन सुप्रीम कोर्ट इनहेरेंट पावर अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ग्रांट करती है। अभी हाल ही में एक केस में क्या हुआ था कि पति और पत्नी 22 साल से अलग रह रहे थे और आंध्र प्रदेश की फैमिली कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी डिक्री और डिवोर्स रिफ्यूज कर दिया था। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये 22 साल से अलग रह रहे हैं और उसके बाद मैरिज भी इमोशनली डेड हो चुकी है, देयर इज नो स्कोप ऑफ रिजम्पशन, तो उन्होंने अपने इनहेरेंट पावर का, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर का यूज करते हुए उस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया। तो इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नाउ, क्योंकि चेंज इन, बिकॉज ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अब जो पहले की परिस्थितियां थी और अब की परिस्थितियां हैं इनमें काफी अंतर है। तो दीज आर द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट एंड विच इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये क्या कहती है, क्लियर है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से डाइवोर्स, दोनों पति पत्नी को अगर ये लगता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, अब हमारा एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, तो वो ज्वाइंट पिटीशन फैमिली कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वहां फाइल कर सकते हैं ज्वाइंट पिटीशन अंडर सेक्शन 13B, एंड ऑन मोशन ऑफ बोथ पार्टीज, ऑन मोशन ऑफ बोथ पार्टीज कोर्ट विल ग्रांट डिग्री ऑफ डिवोर्स। बट इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन जो एडवोकेट्स हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि इसमें दो मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन। तो फर्स्ट मोशन जैसे पिटीशन फाइल हुआ तो कोर्ट जनरली कोशिश करती है कि विवाह जो है उसको मीडिएशन में भेजती है वाइफ हस्बैंड को, कि वहां पर वो सेटलमेंट कर लें आपस में, जो भी उनके विवाद है वो सुलझा लें, काउंसलर के पास भेजती है। लेकिन अगर फिर भी विवाद नहीं सुलझता है तो फर्स्ट मोशन, जो पहला जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, फर्स्ट मोशन मीन्स ऑन मोशन ऑफ बोथ पार्टीज मीन्स जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है कोर्ट के सामने, जज के सामने, उसके बाद सेकेंड मोशन के बीच में मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम होना चाहिए। तो वो 6 मंथ्स to 18 मंथ्स का टाइम होता है, वो मैक्सिमम, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 18 मंथ्स। तो ये जो टाइम होता है ये पहले तो मैंडेटरी था, ये पहले इसमें शैल था, ये मैंडेटरी था, ये 6 मंथ्स का टाइम बिना पास किए हुए, ये इसको हम कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं या वेविंग पीरियड भी कहते हैं या कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं, मतलब उस पीरियड में अगर दोनों के बीच में सुलह हो गई तो फर्स्ट मोशन के बाद भी वो विड्रॉ कर लेंगे पिटीशन और डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि शादी बचाना कोर्ट का मकसद है, डिवोर्स ग्रांट करना नहीं, ये प्रिंसिपल है। तो उसमें क्या है कि 6 मंथ का जो कूलिंग पीरियड है, तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस ऐसे आए जिसमें कि मैरिज इररिट्रेबली ब्रेक डाउन हो चुका है, कोई संभावना नहीं है उसमें अब कि वो रिजम्पशन हो सकती है मैरिज की दोबारा से। तो उन्होंने क्या किया, इन केस ऑफ, वन सेकेंड होल्ड ऑन, इन द केस ऑफ
अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, इन द केस ऑफ अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो ये 6 months का जो मैंडेटरी टाइम पीरियड है, मतलब 6 months मैंडेटरी है, उसके बजाय उन्होंने क्या किया, इस प्रोविजन को अब डायरेक्टरी बना दिया कि अब ये अनिवार्य नहीं है, इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये जो 6 महीने का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है इसको वेव करके उस बीच में भी ये किया जा सकता है, ग्रांट किया जा सकता है, डिवोर्स ग्रांट की जा सकती है। याद रखना है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर की जजमेंट में जो मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड का जो 6 months का जो था कि वो फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन के बीच में 6 महीने का गैप रहना चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अब हम आते हैं, इसमें एक पॉइंट और है, ठीक है, सेकेंड मोशन के बाद वो डिग्री ऑफ डिवोर्स। अब इसमें एक विवाद था, इसमें विवाद ये था कि कई बार क्या होता था कि कंसेंट को लेकर के विवाद था कि क्या विड्रॉ कर सकता है, जैसे फर्स्ट मोशन के लिए आ गया वाइफ, आ गया या हस्बैंड, आ गया फर्स्ट मोशन रिकॉर्ड भी हो गया कोर्ट के सामने, तो क्या उसके बाद ये वो जो कंसेंट उसने दी थी म्यूचुअल कंसेंट फाइल करने के लिए, जो पिटीशन फाइल किया था, क्या उसको कोई पार्टी विड्रॉ कर सकती है बीच में, एट एनी स्टेज ऑफ द केस, किसी भी इस केस के किसी स्टेज में क्या उसको विड्रॉ कर सकती है। तो इसमें ना क्या था कि अलग अलग हाई कोर्ट्स की अलग अलग ओपिनियन थी, देयर वर डाइवर्जेंट ओपिनियन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट्स की अलग अलग ओपिनियन थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया, तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो फाइंडिंग आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये फाइंडिंग आई कि विड्रॉवल ऑफ कंसेंट इज अलाउड एट एनी स्टेज ऑफ द केस, इवन एट द केस ऑफ 13B2 इंक्वायरी स्टेज पर भी अगर कोई भी पार्टी चाहे, पति या पत्नी, तो वो अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये रीजनिंग दी कि म्यूचुअल कंसेंट ये जो है ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है, अगर विड्रॉ कर लिया कंसेंट इसका मतलब है कि इसका ये मतलब है कि वो नहीं चाहता डिवोर्स अब लेना, तो ये अब क्लियर हो गया। उसके बाद में सुरैया केस में 3 जज की जो जजमेंट्स थी उसने इसको अप्रूव भी कर दिया इसने कि जो कंसेंट है वो किसी भी स्टेज पर विड्रॉ की जा सकती है, कंसेंट कैन बी विड्रॉन एट एनी स्टेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें याद रखना है। ये केस था जिसमें कि सुरेश्ता देवी वर्सेस ओम प्रकाश के केस में ये डिसाइड किया था, और ये फिर इंडोर्स हो गया था स्मृति पुरैया केस में, 3 जज बेंच ने भी इसको इंडोर्स कर दिया था, और इसको अप्रूव करने के बाद अब ये नाउ दिस इज द प्रेसिडेंट, दिस इज द लॉ लेट ऑन। तो ये था आपका डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब इसके बाद है एलिमनी ग्रांट के लिए फाइल कर सकते हैं, कस्टडी ऑफ चाइल्ड को लेकर के जो डिस्प्यूट होता है सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, उसमें फाइल कर सकते हैं, वो डिपेंड करती है जो हस्बैंड की इनकम है। अभी हाल में कुछ जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वाइफ सफिशियंटली अर्न कर रही है, अगर वाइफ की इनकम सफिशियंट है, अगर वाइफ की जॉब सफिशियंट है, तो अगर वाइफ एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, अच्छे जगह पर पदस्थापित है, वो अच्छा काम कर रही है, उनके अच्छी अर्निंग है, तो हस्बैंड को इंटरिम मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, बट इन मेनी केसेस सुप्रीम कोर्ट ने ये डिनाई करा है वाइफ को कि बिकॉज वाइफ इज सफिशियंटली अर्निंग, दिस इज न्यू इंप्रूवमेंट, ये बिकॉज लॉ इज डायनामिक, एवरी टाइम सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स आती हैं, नई नई जजमेंट्स में वो नई नई फाइंडिंग्स आती हैं, तो उसके लिए हमें अपडेट करते रहना होगा खुद को, ताकि हमें पता लगता रहे कि कौन सी नई जजमेंट आई है उस पॉइंट के ऊपर। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे पेज उज्जवल लीगल को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।